अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू कुकिंग डायरीज। आज मैं करेले बना रही हूँ और उसमें चिकन ऐड करूँगी जो कि ऑप्शनल है। अगर आप लोगों ने चिकन उसमें नहीं डालना तो ये आपके ऊपर है, आप चिकन ना डालें। इसमें मैंने एक कप ऑयल लिया है और ये मैंने करेले धो लिए थे, नमक लगा के वो डाल दूँगी फ्राई करने के लिए। आधा किलो करेले और एक कप ऑयल में इसको मैं फ्राई करूंगी और इनको लाइट ब्राउन कर लूंगी। ये मैंने दो प्याज लिए हैं, ये डालूंगी अंदर। टमाटर और तीन टमाटर हैं, अदरक और लहसुन ये डाल रही हूँ। और ये मेरे पास जो आधा किलो से थोड़ा सा कम चिकन रखा हुआ था उसमें उसको मैंने हड्डियों से ये देखें अलग कर लिए सारा। और ये मैंने कीमा टाइप बना लिए, छोटे छोटे पीस कर लिए हैं। ये मैं इसके अंदर डालूंगी, ये ऑप्शनल है, आप नहीं डालना चाहे तो ना डालें, आप ऐसे ही बना लें करेले। और ये सब्ज़ मिर्ची हैं, अब ये सब्ज़ मिर्ची और ये जब ये वाला सारा सामान मैं इसको ग्राइंड करके पीस के अंदर डाल दूँगी। तो मैं इसको ग्राइंड करती हूँ। ये जो चार प्याज रखे हुए हैं ये बाद में मैं जब करेले ऐड करूँगी तो फिर इसमें ऐड करूँगी। तरह हो गया, आप मैं निकाल रही हूँ, निकाल के एक प्लेट में डाल दूंगी। ऑयल जो है सारा इसमें से ड्रेन करना है, ये ऑयल हमारे काम आएगा। इसी में हम आगे अपना मसाला रेडी करेंगे। ये निकाल लिए, अब मैं इसमें ये डालूंगी प्याज मसाले के लिए, मसाला रेडी करूंगी। प्याज फ्राई करके इसमें मैं बाकी मसाले जो मैंने पीस के रखे हुए हैं वो डालूंगी। प्याज ब्राउन हो गए हैं, अब इसमें ये जो मैंने पेस्ट बनाया था टमाटर लहसुन अदरक ग्रीन मिर्च ये पेस्ट पूरा डाल दिया मैंने। करेले में थोड़ा ज़्यादा टमाटर डलता है इसलिए इसमें मैंने तीन टमाटर डाले हैं। हरी मिर्चें भी 6-7 मैंने डाली हैं, छोटी मिर्च कम डालूंगी। अब इसमें ये देखें ऑयल जो था पहले वही मैंने यूज़ किया जो करेले मैंने फ्राई किए थे, लेकिन मुझे ये कम लग रहा है इसलिए इसमें मैं थोड़ा सा ऑयल और यानी कि हाफ कप ऑयल, हाफ कप से भी थोड़ा सा कम ये मैंने और ऐड कर लिया, क्योंकि जब चीज़ें डली हैं तो फिर ऑयल जो है वो कम हो गया। अब इसके बाद मैं ये मैं इसमें छोटे छोटे आलू रखे हुए हैं दो मैंने किए थे, ताकि बच्चे अगर नहीं खा रहे करेले तो वो अगर आप इसमें आलू डालेंगे तो शौक से खा लेंगे, क्योंकि उसमें फिर उसका टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है और करेले बिल्कुल भी कड़वाहट उसमें नहीं रही क्योंकि मैंने उसको फ्राई भी किया है और अब उसमें ये आलू भी जा रहे हैं तो कड़वाहट इतनी नहीं रहेगी, बच्चे भी आराम से खा लेंगे। और चिकन भी डालूंगी जो कि मैंने कहा है कि आप लोग चाहें तो डालें नहीं तो नहीं डालें, लेकिन मैं इसमें चिकन डालूंगी। तो चिकन जो है ये मैं साथ ही इसके डाल दी ताकि ये फ्राई हो जाए। अभी मैंने मसाला कोई भी ऐड नहीं किया, ये चिकन ऐड कर रही हूँ। ये इसके साथ लगा हुआ है तो मैं ये हड्डियाँ ऐड करूँगी बाद में, मैंने ये हड्डियाँ भूनने के बाद इसको निकाल लूँगी, बिल्कुल छोटे छोटे पीस में निकाल लूँगी। और ये ग्रीन मिर्ची है ये मैं जब करेले ऐड करूँगी उसके साथ फिर मैं ये मिर्ची ऐड करूँगी। अब इसको फ्राई कर लूँगी, थोड़ा सा फ्राई होगा फिर मैं मसाले ऐड करूँगी। ये अभी मैंने इसको थोड़ा सा भून लिया, अब थोड़ा सा पानी डालूँगी मसाले डालने से पहले। अब इसमें ऐड कर रही हूँ मैं मसाले, नमक 1.5, हल्दी 1/2, हरी धनिया पाउडर 1/2, रेड चिल्ली पाउडर 1/2,
साबुत जीरा टेबल स्पून ले लें या अपने उसके हिसाब से टेस्ट के हिसाब से ले लें जितना आपके पास करेले हैं। मेरे पास हाफ के जी थे, अगर ज़्यादा हैं तो ज़्यादा डालें आप मसाले, यानी कि अपने हिसाब से डालें, कम खाते हैं तो कम ही डालें। ये भून लिया मैंने और गोश्त और आलू भी सारे नरम हो चुके हैं। अब इसमें मैं ऐड करूँगी करेले जो फ्राई किए हुए थे और उसमें जो चार प्याज मैंने रखे हुए थे वो मैंने इस तरह से लंबे लंबे काट लिए और ये मैं एक साथ ही ऐड कर दूँगी करेले और प्याज। ये करेले और प्याज इसमें ऐड कर दिए, प्याज जो है वो अच्छे से नरम हो जाएंगे, करेले हमारे पहले ही से ही फ्राई हैं। और ये जो मैंने यहाँ साबुत मिर्चें रखी हुई थी बीच में से मैंने कट लगा लिया, इस तरह से सब बीच में से कट लगा के ये साबुत डाल ली। डंडियाँ मैंने उतार दी थी, ना भी उतारें तो कोई ऐसा इशू नहीं है। ये मैंने इसमें ग्रीन मिर्च भी ऐड कर दी है, थोड़ा सा धनिया मैं साथ ऐड कर रही हूँ और बाकी जो थोड़ा सा है वो मैं जब बंद करूँगी फिर धनिया ऐड कर दूँगी। अब इसको थोड़ा सा मैं भूनूँगी तक के करेले के अंदर सारा मसाला चला जाए, उसके बाद फिर मैं इसको डिश आउट करूँगी।